उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान सितारगंज चीकाघाट साधुनगर रोड में 3 अवैध खननों के वाहनों को पुलिस टीम ने पकड़ा है। विदित हो कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। जानकारी के मुताबिक चीकाघाट साधुनगर मार्ग में पुलिस वाहनों की जाँच कर रही थी। वहाँ से गुजर रही 3 अवैध खनन से भरी ट्रॉलियां अवैध खनन करके ला रही थी। जब पुलिस टीम ने वाहन चालक से रॉयल्टी व अन्य दस्तावेज मांगे तो वो दस्तावेज पेश नहीं कर सका। वहीं पुलिस द्वारा खनन से भरे अवैध वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। एसआई धीरेन्द्र परिहार ने कहा कि वाहनों के नंबरों को ट्रेस करके वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये साधुनगर रोड चीका घाट के पास है, 3 ट्रॉलियाँ आती हुई दिखाई दी, जिनके कागजात चेक किए तो जिनके पास रॉयल्टी नहीं थी और वाहन की आरसी और अन्य दस्तावेज नहीं पाए गए, जिन्हें एमबी एक्ट में सीज कर कब्जे पुलिस लिया गया। अवैध खनन में जिनके पास रॉयल्टी न होने के कारण अवैध खनन की रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। हाँ, नंबर हैं उनके, ट्रॉलियों पे भी नंबर है, ट्रैक्टरों पे भी नंबर है, पीछे सारे नंबर है। जो नंबर हैं उन नंबरों के आधार पर उन पे कार्रवाई की। सितारगंज टीवी, आपकी अपनी आवाज।